हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए उससे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 14 प्लस 20 इक्वल दिया गया है हमारे पास 48 के। नेक्स्ट 22 प्लस 22 इक्वल दिया गया है 66 के। नेक्स्ट 35 प्लस 24 इक्वल दिया गया है हमारे पास 94 के। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है 46 प्लस 26 किस चीज के इक्वल होगा, ये हम इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या दिया गया है, 14 प्लस 20 इक्वल दिया गया है हमारे पास 48 के। अगर हम 14 प्लस 20 करते हैं जो कि होता है हमारे पास 34, और 34 में अगर हम ये वाला 14 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या सम होगा, 48। यानी कि हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को प्लस करना है और उसके साथ 14 को प्लस कर देना है, तो हमारे पास इक्वल किसके होगा, 48 के इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 22 प्लस 22 जो कि होता है हमारे पास 44, और 44 में हमें प्लस करना है इस 22 को जो कि होगा हमारे पास 66। चलिए नेक्स्ट में भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, 35 प्लस 24, चलिए अब हम 35 प्लस 24 को प्लस करते हैं जो कि होता है हमारे पास 59, और 59 में हमें प्लस क्या करना है, 35 को प्लस करना है, तो हमारे पास क्या होगा, 59 प्लस 35 कितना होता है, ये होगा हमारे पास 94 जो कि हमारे पास आपको यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट में भी हमारे पास यही सीक्वेंस यूज होगा जैसे कि हमें अभी तक सीक्वेंस यूज करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 46 प्लस 26 करना है। चलिए कर लेते हैं। 46 प्लस 26 हमारे पास होता है 72, और 72 में हमें प्लस करना है, जैसे कि हम ये सारे नंबर लास्ट में प्लस कर रहे थे तो यहाँ पे भी हमें 72 में प्लस करना है 46 को। चलिए से प्लस कर लेते हैं जो कि इक्वल होता है हमारे पास 118 के इक्वल होता है। जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पे आएगा 118 आएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं।